नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम एक नई सीरीज सुपर 30 के तहत राजस्थान का परिचय इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी और मैं चाहता हूँ कि एक तरह से कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आपके आंखों के सामने से निकला हुआ ना हो। और ये सारे जो अपने जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से या प्रत्येक टॉपिक से वो क्वेश्चन अपन लेते जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, और स्पेशली तब जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो या फिर कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ चुके हो, तो इस टाइम शाम को सोते वक्त या जब भी आपको समय मिले और समय जाया ना करते हुए इस सीरीज को मिलाते रहिए आप लोग, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो पहला ही पहला सवाल है हमारा कि प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा झालावाड़। सेकंड क्वेश्चन है, अलवर का आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? शालू प्रदेश, डांग क्षेत्र, थली या फिर माल खेराट। तो ध्यान रखना इसका भी पहला आंसर होगा सालू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के कुमथाना किला किस दुर्ग का नाम है, मतलब कुमथाना किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का नाम है? तो एक नागौर, मेड़ता दुर्ग, करारगढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो ध्यान रखना ये इसका सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग, मतलब सिवाना दुर्ग का नाम था अपना कुमथाना किला, नाम से भी ये प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4 की कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखना 1829, 1849, 1829 या 1851। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, 1829 में, मतलब ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, 5th एंड 6th के राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले मरुकांतर, ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब मरुकांतर नैन्सी, जॉर्ज सेमस, अब्राहम गियर्सन या महर्षि वाल्मीकि। तो ध्यान रखना ये शब्द महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था मरुकांतर। 6th क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? तो ध्यान रखना विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, दिलवाड़ा जैन मंदिर या नौगांवा के जैन मंदिर। तो इसका सिंपल सा आंसर है विजय स्तंभ, तो 6ठे का आंसर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 7th और 8th की तरफ बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1956, 1 अप्रैल 1956, 1 नवंबर 1960। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के समय राजस्थान में सॉरी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी, मतलब मौजूद नहीं थी? तो सवाई माधोपुर, नागौर और चित्तौड़गढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना ये सभी उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं थी, मतलब इनमें से, मतलब ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इनमें से कोई नहीं था, तो ये ध्यान रखना। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कि राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ कहाँ पे रहा? जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मंडोर, बीनमाल, जालौर, गागरौन, बीनमाल और बीकानेर। ध्यान रखना इसका सटीक आंसर होगा बीनमाल, मंडोर और जालौर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के जनवरी 1950 में आबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। सिरोही की अबू देलवड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया था? तो इन दो को किस में मिलाया गया था, गुजरात, बम्बई, मध्य भारत या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना इनको बम्बई में मिलाया गया था। बाद में भारतीय या स्पेशली राजस्थानियों के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विरोध की वजह से वापस इसको राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान भी रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 और 12, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं रहा था या नहीं था? शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा किशनगढ़, क्योंकि यहाँ राठौड़ों का वंश या राठौड़ों का राज रहा था। पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी है, मतलब फर्स्ट, ठीक
ठीक है ना, सबसे पहले जब 1955-96 के आसपास मिला था, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लिंबाराम, डॉक्टर करणी सिंह, सलीम दुर्रानी। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर लिंबाराम होगा, इनको ये तीरंदाज से और इनको इसी में पुरस्कार मिला था। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था। जो वृहत राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा मतलब 25 मई 1949, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, जनवरी 1950। तो इसका सटीक आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का कि 15 मई 1949 को जो अपना मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए अक्षांश क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नागौर, टोंक, जालौर और सीकर। तो मतलब ऐसे अगर आपको मैप वगैरह याद हो थोड़ा सा, मतलब तो ध्यान रखना आप लोग कि नागौर तो ये इधर पड़ता है, मतलब ठीक है ना, टोंक फिर आपको इधर इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और जालौर अपने इधर आ जाएगा, जालौर, ठीक है, और क्या कहते हैं सीकर, मतलब ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो अब इनको बढ़ते हुए अक्षांश के क्रम में व्यवस्थित करना है कि नागौर, टोंक, जालौर, सीकर, जालौर, टोंक, नागौर, सीकर, जालौर, नागौर, टोंक और सीकर, जालौर, सीकर, टोंक और नागौर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा सेकंड नंबर, मतलब कि जालौर, फिर टोंक, फिर नागौर और फिर सीकर सबसे ऊपर। मतलब ध्यान रखना ये चीज, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कि किस स्थिति को राज्य की चार बड़ी देसी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई और नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया। वह कौन सी तिथि थी जिसमें चार बड़ी रियासतें अपनी, जैसे जैसलमेर वगैरह, ये मेवाड़ वगैरह, ये सॉरी मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें वगैरह इसमें शामिल हुई थी। तो ध्यान रखना और उसका नाम वृहत राजस्थान रखा गया 15 मई 1949, 30 मार्च 1949, 18 अप्रैल 1949 और 2 अक्टूबर 1949। ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 30 मार्च 1949, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब ठीक है ना, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है और। प्राचीन समय में सिरोही और आसपास का क्षेत्रफल जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता था, आर्बुद, चंद्रावती, एक और दो, दोनों, आर्बुद और वाघवार। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा एक और दो, दोनों, मतलब ठीक है ना, मतलब कि आर्बुद और चंद्रावती नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मतलब क्वेश्चन नंबर 17 और 18, तो अभी इसको एकदम सही करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कि पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है, एंड टच नहीं करता है, उमरकोट, रहीमयार खान, कराची या बहावलपुर। तो ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 17 है अपना, इसमें से कराची थर्ड ऑप्शन जो कराची है वो राजस्थान के किसी भी जिले को टच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, तो सुनेल टप्पा, अजमेर, मेरवाड़ा, दिलवाड़ा क्षेत्र या सिरोंज क्षेत्र। तो ध्यान रखना 18वें का सही आंसर होगा सिरोंज क्षेत्र। मतलब तो ये क्वेश्चन अपने 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ठीक है ना। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, 19 क्वेश्चन करते हैं पहले कि प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग शूरसेन जनपद का एक भाग था, अलवर, भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर और करौली, झालावाड़, बारा, बूंदी क्षेत्र। तो ध्यान रखना 19वें का आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र, अपना क्या कहते हैं शूरसेन जनपद का एक भाग था। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आर्बुद प्रचलित नाम है जो और क्षेत्र इधर दिए हुए हैं, सिरोही और आबू क्षेत्र, मेवात, अलवर और आसपास का क्षेत्र, गिरवा, बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र और मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा गिरवा, मतलब कि बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो
क्या कहते हैं, गिरवा नाम से नहीं है, उदयपुर के आसपास का जो बाहरी पहाड़ी क्षेत्र है वो गिरवा नाम से कहलाता है। तो ये एक क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, शेखावटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तोरावटी, देवड़ावटी, चंद्रावटी और शेखावटी। तो जो 21वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा तोरावटी, मतलब जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। ये जो सारे क्वेश्चन है मेरे, वो अपने रिट हो, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो अपना फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, आरएसपी का एग्जाम हो, वन पाल, एसआई, वन रक्षक, सब एग्जाम्स के लिए काम का है। और हम तो ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, जिसमें कि आपका पूरा राजस्थान कवर होगा। तो आप सारे प्रतियोगी परीक्षा वाले, चाहे वो पीटीईटी वाले हो, बीएसटीसी वाले हो, डीएलएड वाले हो, और कोई एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सारे लोगों के लिए कंपलसरी, अनिवार्य या फिर इम्पोर्टेंट है। तो उसके इस सीरीज को उसी वे में ले, मतलब आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन और टाइम टू टाइम लो मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए नई सीरीज लेकर आता रहूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? दौसा, पाली, भरतपुर, जोधपुर। तो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर पाली ऑप्शन होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे कम तिरछी पड़ती है। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 हैं कि सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा राजस्थान का पंजाब नाम से जाना जाता है। राज्य का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से विख्यात रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ताठगढ़ दुर्ग और तारागढ़। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाला अन्य नाम उसका राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 की राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और तैराकी। तो ध्यान रखना, इसका एकदम बिल्कुल आसान सा आंसर है बास्केटबॉल। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा काम का है, 26वां। तो मतलब चिड़ावा का गांधी, ध्यान रखना है ना, सरदार हरदयाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और राधाकृष्ण बोरा। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब 27 और 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्नलिखित में से किस वंश का शासन रहा है? मतलब तो 27वें नंबर क्वेश्चन का मतलब ध्यान रखना कि चौहान, राठौड़, भाटी या परमार। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 26 है, इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा परमार वंश, परमार, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर परमार रहेगा, मतलब कि इस क्षेत्र में इन परमार शासकों का राज रहा था। मतलब क्वेश्चन नंबर 28वां है कि राजस्थान के वर्तमान शहर या क्षेत्रों या पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्म में से कौन सा सही नहीं है? मतलब तो अजमेर को अजय मेरू कह देते हैं, ये भी सही है। सांवर और आसपास का क्षेत्र, सपात लक्षण 100 गाँव, मतलब 1 लाख गाँवों का समूह, ये भी सही है, मतलब ठीक है ना? इसके अलावा जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू का सहकावटी, बिल्कुल सही बात है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड नहीं भाई, इसका जो मांड वाला एरिया है वो तो कहलाता था जैसलमेर। ध्यान रखना, मांड क्षेत्र कौन सा कहलाता था? जैसलमेर। और इसका जो अलवर का था वो था कुरु, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि 1949 में व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मतलब तो ध्यान रखना, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। मतलब और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि इस चैनल को, यानी मेरे द गुरु भरत सर को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब्स कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को लगातार मेरे साथ जारी रखिए। कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स की वजह से
मैं आपकी कुछ जो क्लासेज है बोर्ड पे नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जैसे स्वास्थ्य सही होगा मैं आप लोगों के लिए पुनः सारा कोर्स बिल्कुल अपना रीट फर्स्ट एंड सेकंड लेवल वाला पूरा करवाऊंगा। तब तक आप मेरा सहयोग कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सजाए एंड लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को मेरे साथ जारी रखिए। अब आखिरी क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, तो ध्यान रखना 18, 19, 20, 21, तो ध्यान रखना आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कुल मिलाकर 19 रियासतें थी। कुल मिलाकर 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे मतलब, ठीक है ना, वो कुशलगढ़, नीमराना और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये ध्यान रखना, तीन ठिकाने थे ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और ये लावा, नीमराना और कुशलगढ़, ठीक है ना। तो आज की ये सीरीज यहीं पे ख़त्म, और अगली सीरीज के साथ कल पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आपको आपकी सारी एग्जाम्स के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी हमेशा अनवरत जारी रखिए। और कोई भी कुछ किसी भी तरह की समस्या हो, टॉपिक वगैरह या पढ़ाई वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में, या सॉरी कमेंट बॉक्स में, आप नीचे कमेंट के माध्यम से जाहिर कर सकते हो। सुनने के लिए, देखने के लिए, और मेरी बातें अपने दिल तक और अपने मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए और पहुँचने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।